नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बार फिर से बहुत ही बड़ा खुलासा हो चुका है और कई ऐसे सबूत मिल चुके हैं जिसके आधार पर अब आगे आने वाले दिनों में सीबीआई की टीम कार्यवाही करने वाली है। जी हां, आप सभी को पता होगा कि इन दिनों बॉलीवुड में कुछ भी ठीक चल नहीं रहा है। पहले हमने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला सामने आया, फिर राज कुंद्रा और फिर आर्यन खान। लेकिन इसी बीच में आप सभी को बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को आज भी जो सीबीआई की टीम है वो सॉल्व करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि दोस्तों, बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत ने ना सिर्फ अपना कदम जमा दिया था बल्कि वो बॉलीवुड में बुलंदियों को छू रहे थे। लेकिन फिर भी सुशांत सिंह राजपूत अचानक से ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जो कि अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। और इसी वजह से सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई की डिमांड की गई थी और सीबीआई के आने के बाद भी सुशांत सिंह राजपूत का केस सॉल्व ना हो पाना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सीबीआई ने भी बहुत ही बुरी तरह से इस केस में छानबीन की थी। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि ये केस यहीं पर दब जाएगा या फिर सीबीआई इस केस को सॉल्व नहीं करेगी, तो आप सभी शायद गलत सोच रहे हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत केस में आर्यन खान केस को सॉल्व करने के बाद सीबीआई की टीम एक बार फिर से जुट चुकी है और सीबीआई की टीम के साथ साथ एनसीबी की टीम भी पूरी तरह से सहयोग कर रही है और किसी भी तरह से सुशांत सिंह राजपूत के ड्रग्स एंगल को खंगालने की कोशिश की जा रही है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आर्यन खान केस में जितने भी लोग पकड़े गए थे, क्या उनका किसी भी तरह से सुशांत सिंह राजपूत से कोई लिंक है या फिर क्या उनको किसी भी तरह से कोई जानकारी है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत के जो लोग भी सुशांत को ड्रग्स सप्लाई करते थे, क्या वही लोग आर्यन को ड्रग्स सप्लाई करते थे। और एनसीबी की टीम इसके लिए आर्यन खान से एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुला सकती है अपने दफ्तर। और आप सभी देखेंगे कि अनन्या पांडे को भी आज एक बार फिर से एनसीबी की टीम अपने दफ्तर बुला सकती है और यहां पर एनसीबी की टीम ये जानने का प्रयास करेगी कि आखिर में रियलिटी है क्या, सुशांत सिंह राजपूत और आर्यन खान केस का कहां से लिंक निकल रहा है। क्योंकि दोनों ही बॉलीवुड के बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे और दोनों ने ही अपना बॉलीवुड में नाम कमा लिया था। हालांकि जो आर्यन खान है वो अपने फादर की वजह से फेमस है, तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत ने अपने दम पर नाम कमाया था। लेकिन एक बात तो साफ थी कि बॉलीवुड में दोनों का ही बोलबाला है। लेकिन हमने ये भी पाया था कि सुशांत सिंह राजपूत को नेपोटिज्म का शिकार बनाया गया था और सुशांत सिंह राजपूत का कोई इंडस्ट्री में भाईचारा नहीं था, इस वजह से सुशांत सिंह राजपूत को बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ा था। लेकिन सीबीआई दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत के केस को आज भी सॉल्व करने का प्रयास कर रही है और खबर यह है कि सीबीआई अभी हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत के उस फ्लैट में गई थी जहां पर सुशांत सिंह राजपूत रहा करते थे और सीबीआई ने वहां पर कुछ ऐसे सबूत ढूंढ लिए हैं जिसके आधार पर अब आगे की कार्यवाही होगी और सुशांत सिंह राजपूत के मुजरिम बचने वाले नहीं है। और इससे रिया चक्रवर्ती के भी कान खड़े हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती को भी एक बार फिर से बुलाकर पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ही वो मुख्य आरोपी थी जो कि सुशांत सिंह राजपूत केस में काफी सारी जानकारी रखती थी और ड्रग्स एंगल से भी रिया चक्रवर्ती को बुलाकर एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के कातिल जल्द ही अब पकड़े जाएंगे। तो यही था वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।